Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. So guys, good morning. और फिलहाल मैं जा रहा हूँ धारचूला की तरफ नाव. बहुत बढ़िया स्टे रहा मेरा यहाँ पर. सो देखो यार, यहाँ पर एक ओपन एयर जिम खाना टाइप का खोला हुआ है और यार दैट इज़ वेरी नाइस. पिथौरागढ़ में मैंने एक चीज़ देखी कल भी जब शाम को मैं निकल रहा था, घूम रहा था, यहाँ पर यार लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस हैं एंड दैट इज़ द वेरी इम्प्रेसिव थिंग. भाई साहब, एक से एक रास्ते हैं, एक से एक रास्ते में सुबह शाम आपको लोग घूमते हुए मिल जाएंगे. दिन में अपना काम वाम करेंगे पर सुबह और शाम को वॉक करते हुए मिल जाते हैं. रात को टेम्परेचर 3 डिग्री तक गया था यहाँ पर, बहुत सही था. धारचूला में 14 से ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो रहा है. मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर भी 18 है, वहाँ पर भी 18 है धारचूला में. ओहो, ये क्या मिल गया भैया, शादी है लगता कहीं. अरे बच्चे हैं यार, ये बच्चे हैं पहाड़ी. यहाँ पर एक सर्दोत्सव चल रहा है अभी, उसी के लिए ये बच्चे परफॉर्म करने के लिए यहाँ के जो लोकल परिधान होते हैं उसमें तैयार होके जा रहे हैं. मतलब उत्तराखंड का जो ट्रेडिशनल वेयर है वो पहन के जा रहे हैं. वेरी गुड, पहाड़ी कल्चर को दर्शा रहे हैं. और देखो ये पंत स्मारक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत. तो यहाँ से अपने को लेफ्ट निकलने का है, लेफ्ट निकलेंगे तो अपना आ जाएगा धारचूला वाला रास्ता. इधर ही को पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट भी है जो कि मैंने आज तक देखा नहीं है. और एयरपोर्ट के विषय में कुछ जो जानकारियाँ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी कि कौन कौन सी फ्लाइट चलती हैं, क्या टाइम नॉर्मली रहती है और कौन कौन सी कंपनियां वो फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं, किधर किधर को निकलती हैं. पंतनगर, दिल्ली और देहरादून के लिए जाती होंगी और यही 3 जगह जाती हैं फ्लाइट, और वो भी सब जगह पंतनगर वाया देहरादून वाया होते हुए जाती होंगी. देखो भैया, धारचूला 97, मुंशहरी 128, तवाघाट 108 किलोमीटर. तवाघाट कल अपने को पड़ेगा. कोशिश रहेगी कल ही जाने की, आज थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए ऐसे ही. जय माता दी, जय बजरंगबली की. सो गाइस, हिमालय की झलक दिखने लग गई है यहाँ पर से पिथौरागढ़ के इस एरिया से. वाह यार क्या सुंदर लग रहा है. देखो I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. ये है कनाली छीना, बस छोटा सा गाँव है अभी, छोटी सी मार्केट. एक्चुअली मेरे को चाहिए थे फ्रूट्स जो कहीं दिख नहीं रहे हैं. अपने को नीचे सीधे निकलना है, इधर को नहीं निकलना है. तो धारचूला 70 किलोमीटर रह गया है. नीचे अगर जाएंगे तो देवल थाल है 16 किलोमीटर, ओगला 19, दीघाट 29 किलोमीटर. 14 किलोमीटर बाद है चुरमा. एक चुरमा तुम मुझको. लैंडस्लाइड हुआ है भाई साहब यहाँ, लैंडस्लाइड है भाई साहब. आगे रोड चौड़े कर रहे हैं मलबा हटा के, इसलिए यहाँ पर इतना जाम लगा था. पीछे बहुत एकदम बड़े ही गाड़ियाँ निकलते हुए दिखी थी मेरे को, लाइन लगी हुई थी लेन. थोड़े इधर के पहाड़ ऐसे ही हैं कच्चे से. यहाँ भी भैया, यहाँ पर हुआ लैंडस्लाइड. ऊपर जेसीबी भी है. लैंडस्लाइड तो क्या हुआ, मतलब रोड चौड़ी कर रहे हैं बेसिकली. यहाँ पर भी लोग रुके हुए हैं. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. चलो भैया, तो यहाँ पर करीबन 45 मिनट का जाम था बिकॉज ऑफ दिस. ये पूरा हिस्सा जो है काट के तो चौड़ा किया जा रहा है और इसको मलबा साफ करने में इनको टाइम लग गया. ये बढ़िया जगह लग रही है. तेरा ही जादू. संतरे भी है, खाली सेब है. सेब और केला. केले नहीं खाते यार, विष्णु भगवान नाराज हो जाएंगे. सेब कैसे दिए, आधा किलो दे दो फिर. संतरे यार, यहाँ तो संतरे वैसे ही होते हैं. धन्यवाद. 50 किलोमीटर रह गया भैया धारचूला.
और जौल जी भी 21 किलोमीटर, 21 ऊपर से कोई 14 किलोमीटर यहाँ से पानी आता है। यहीं पर लोग गाड़ी भी धो लेते हैं अपना। और अस्कोट की तरफ जाना है अपने को, ऐतिहासिक नगरी अस्कोट में आपका हार्दिक स्वागत है। ये ऊपर को अस्कोट का रास्ता है, नीचे को अपने को जाना है जो कि धारचूला का रास्ता है। अस्कोट की पुरातन काल से अपनी ही एक विशेषता है। 12वीं सदी में यह उत्तर भारत में स्थित एक राज्य हुआ करता था, जिसकी स्थापना 1279 में कत्यूरी राजवंश के वंशज अभयपाल ने की थी। करीब 900 वर्ग किलोमीटर में फैले इस राज्य को शासकों द्वारा राजवार कहा जाता था और इसकी राजधानी वर्तमान अस्कोट शहर से 2.5 किलोमीटर दूर लखनपुर में हुआ करती थी, जिसके कुल देवता नारिंग देवल थे। पूर्व काल में खस राजाओं के 80 कोट यानी कि किले होने की वजह से इस स्थान को अस्कोट कहा जाने लगा। वर्तमान में अस्कोट में डियर सेंचुरी, जिसको अस्कोट अभयारण्य भी कहा जाता है, भी है। सेब है, सेब खा लेना, ठीक है? ले लो, रोटी खरीद लोगे? हैं? गिनती कर दे मार दे। क्या कह रहे हो? गिनती कर देने पैसे में। कोई बात नहीं, कोई बात, रख लो। नहीं नहीं, माने के। ठीक है, ठीक है, नमस्कार। तो यार यहाँ पर मैंने देखा एक बाबा बैठ गए हैं। मैंने सेब खरीदे थे पीछे से, 2 सेब खाए थे, बाकी बचे हुए थे उसमें 3-4, मेरे को लगाया भूख लगी होगी उनको। मैंने पैसे भी ऑफर किए पर उन्होंने पैसे लिए ही नहीं, सेब ले लिए उन्होंने। क्या एरिया है यार ये, देखो सामने भाई, पत्थर गिरने का भय है। हमें भी यही भय है कि पत्थर गिर सकता है। क्या गजब है भैया, ऐसे लटके पड़े हैं भैया। तो नीचे का भी रास्ता ऐसा, ऊपर से कभी गिर भी रहा हो ना पत्थर, रोड इतनी बढ़िया बना के रखी हुई है कि आप भाग नहीं पाओगे। क्या गजब नदी दिख रही है यार, देखो, वाह, बहुत शानदार नजारा है यार, ऑसम। और सामने नेपाल है ये पूरा। एक पेट्रोल पंप ये है यहाँ का, ये जौल जीवी में है, और इसके बाद एक सिर्फ एक और पेट्रोल पंप मिलेगा जो धारचूला में है, और धारचूला के बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता है। लेफ्ट जाते हैं तो मुंशारी का रास्ता है, राइट जाते हैं तो धारचूला का रास्ता है। तो भाई साहब ये है जौल जीवी, भाई साहब। और इधर पे चिकन बहुत टेस्टी मिलता है। एक साल पहले जब मैं खाता था, मार्च तक तब मैं यहाँ पर आया था, तब मैंने खाया था, बहुत टेस्टी चिकन मिलता है। बहुत शानदार रास्ते हो गए हैं यहाँ के। अब देखो क्या बढ़िया रास्ता है यार, वाह भाई साहब, बहुत काट दिया, बहुत चौड़ा हो जाएगा यहाँ पर। भाई साहब यहाँ तो भयंकर काम चल रहा है यहाँ भाई, ऐसे सिलेंडर की लाइन लगानी पड़ती है। घर में ना आता सिलेंडर, यहाँ से लेके जाना पड़ता है, अगर वो ऊपर पहाड़ की चोटी में तो वहाँ तक ले जाना पड़ेगा सिलेंडर, जेसीबी। और सारे रास्ते ऐसे हो रहे हैं, मज़ा आ गया कसम से, बेहतरीन ऑफ रोड हो रखी है। देखो भैया, दिस इज द एडवेंचर। आदि के अलावा तो जा ही नहीं रहा मैं, ना ही ओम पर्वत जा रहा हूँ आज, बट एडवेंचर यहाँ मिल ही रहा है, धारचूला में ही मिल जा रहा है। 3 किलोमीटर रह गया भैया धारचूला बस। 97 का रेट यहाँ पर भी है पेट्रोल का। आजकल तो पहाड़ों में भी स्कूल बस चल गई है, वरना पहले तो पैदल ही जाना था, पैदल ही वापस आना था। भैया अपना यहाँ पर 3-4 चक्कर आ गए, अपने को याद है यहाँ से लाना है नीचे को। मसाला डोसा भाई, ये भैया धारचूला की मार्केट। खाने के लिए आया था तो मैंने सोचा थोड़ा इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। दांत में दर्द है, दांत में कीड़ा लग गया, मसोड़ा फूल गया, तौलिया बन गया है। कहाँ डाले बोल रहा है, कान में डाले बोल रहा है, भले गांव में डाले बोल रहा है। शानदार नजारा है यार,
और नेपालियों हाय हेलो हाउ आर यू। इधर पे क्या बन रहा है भाई? ये बन क्या रहा है? प्रोडक्शन वॉल। हाँ, प्रोडक्शन वॉल फ्रॉम देयर या फिर पानी वानी से? पानी। अच्छा, कोई वहाँ से क्या प्रोडक्शन किया? वो तो आपस वाला ही काम है। और वैसे भी यहाँ धारचूला में फ्लड वगैरह आते रहता है ना बारिश के दिनों में। पूरी प्रोडक्शन वॉल बन जाएगी यहाँ पर, ये खड़ी कर रखी है जैसा एक सैंपल जैसा इधर पे, तो इस साइड को फ्लड नहीं आएगा। चल मैं सोचो इतने टाइम से, लास्ट टाइम भी आया था यहाँ पर काम दिख रहा था। बहुत बढ़िया। वीडियो यहाँ पर तक देख लिया है और लाइक और कमेंट नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, माता रानी उसको पाप लगाएगी।